कुंभ राशि शांत रहे, जो होगा अच्छा ही होगा, ईश्वर पर विश्वास रखे। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम आपको 19 और 20 जून की कुंभ राशि भविष्य बताने वाले हैं। इन दो दिनों में आपका कुंभ राशिफल कैसा रहेगा, इसमें आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, कौन से बातों का ध्यान रखना है, धन राशिफल, लव राशिफल, करियर राशिफल और आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, सभी बातें विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर रोज राशिफल के रिलेटेड वीडियोज आपको देखने को मिले, जिससे कि आप आने वाले दिनों के बारे में पहले से अनुमान भी लगा सकते हैं। तो चलिए बिना गवाए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विवाह योग्य लोगों को विवाह का अच्छा रिश्ता मिल सकता है। जीवन साथी आपके व्यवहार से काफी खुश रहेगा। ऑफिस में आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संभालेंगे। लेनदेन के कामों में आपको फायदा मिलने की संभावना बन रही है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। व्यापार में भारी मुनाफा मिलने की संभावना नजर आ रही है। कानूनी मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। परिवार के सभी लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपकी कोई अधूरी इच्छा भी पूरी होने की संभावना बन रही है। आप कुछ लोगों की सहायता कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपके मार्केटिंग या फिर मीडिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण काम संपन्न हो सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधित कई सुअवसर प्राप्त होंगे। किसी भी फोन कॉल को नज़रअंदाज ना करें। आपका अपने कार्यों के प्रति पूरी क्षमता से संगठित होना हर क्षेत्र में सफलता देगा। आप तो हर मुश्किल मुकाम को परिश्रम द्वारा हासिल करने में सक्षम रहेंगे। बातचीत के माध्यम से चल रहे कई मसलों का हल व समाधान मिल जाएगा। ऑफिस में बड़े अधिकारियों को आप अपने बेहतर प्रदर्शन से खुश कर सकते हैं। दोस्तों के साथ मिलकर आप कोई नया कारोबार करेंगे जिसमें बरकत होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आने की संभावना बन रही है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन कुछ ठीक ठाक नहीं रहेंगे। हो सकता है पढ़ाई में आपका मन ना लगे। आप ज़्यादा तनाव ना लें और अपना दिमाग शांत रखें। सकारात्मक रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। कभी कभी आप आलस के कारण अपने काम को टालने की कोशिश भी करेंगे, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। अपनी ऊर्जा को बनाए रखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, हमने ऐसा क्यों कहा कि आपके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, तो उसके बारे में जान लेते हैं। वैसे देखा जाए तो 19 और 20 जून ये दो दिन आपके लिए बहुत ही खास साबित होने वाले हैं। लेकिन इस दिन आपको अपनी जबान पर जो कि काबू रखना होगा। अगर कहीं पर वाद विवाद चल रहा है या फिर आपका कोई मसला अटका हुआ है, तब आप वहाँ अपने मुंह से कुछ ऐसी बातें ना बोलिएगा जिससे कि बात का बतंगड़ बन जाए। तो हर वक्त अपने मुंह पर लगाम रखेगा, अच्छा ही बोलेगा, कुछ वाद विवाद होने जैसा वाक्य वहाँ पर प्रयोग में ना लेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ट्रेंडिंग राशिफल की स्पेशल सर्विस के बारे में। दोस्तों आपके जीवन में प्रॉब्लम कैसे भी हो, परेशानी कैसी भी हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, शादी का ना होना, व्यवसाय में दिक्कत आना, नौकरी का ना लगना, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स का ना, रिश्तेदारों के संग रिश्ते का खराब होना, प्रॉब्लम कैसे भी हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर आपके सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारी तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपका धन और करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों इन दिनों आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। कामकाज से जुड़ी किसी समस्या के कारण अगर आप परेशान चल रहे हैं
तो आपकी परेशानी दूर हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको कोई बढ़िया सा मौका मिल सकता है जिससे आपके लिए तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। जिस सहजता और तत्परता से आप अपने सभी काम निपटाएंगे उसे देख वरिष्ठ काफ़ी प्रभावित होंगे। कपड़ों के व्यापारियों को आर्थिक फायदा हो सकता है। कामकाज में व्यस्त रहने के कारण आप परिजनों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाएंगे। बच्चे इस बात से काफ़ी नाराज रहेंगे। वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियां धीमी चलने के बावजूद आप अपनी योग्यता व क्षमता के बल पर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाकर रखने में सक्षम रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने काम में उचित मेहनत करने से सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। तो अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। लव लाइफ में सामान्य से हटकर कुछ हो सकता है। अभी तक प्रेम संबंध नहीं बने हैं। अचानक से किसी से मुलाकात हो सकती है। लीक से हटकर कुछ होगा तो आपको शायद कुछ अजीब लगे, लेकिन इस अजीब में भी आपको रोमांच का अनुभव होगा जिसे आप पीछे नहीं हट पाएंगे। ये जो दिन है आपके लिए बहुत अच्छे कहा जा सकता है। संबंधों में अथवा प्रेमी में कुछ बदलाव आपको महसूस होंगे जिन्हें अपनाने के लिए आप एकदम से खुद को तैयार पाएंगे। बदलाव प्रकृति का स्वभाव होता है जिसे आपको भी स्वीकारना चाहिए। दोस्तों, पारिवारिक राशिफल के बारे में बात करें तो पारिवारिक जीवन भी खुशियों से भरा रहेगा और परिवार में खुशियां आती रहेगी। सभी लोग एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान की भावना रखेंगे और इससे आपके परिवार की ताकत लोगों तक पहुंचेगी। समाज में आपके परिवार की इज्जत बढ़ेगी। कुटुंब के लोगों का भी इस दौरान व्यवहार काफ़ी अनुकूल रहेगा और वे आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त छोटे भाई बहनों से सुख की प्राप्ति हो सकती है और वे सुख में आपके भागीदार भी बनेंगे जिससे आपकी खुशी भी दुगनी हो जाएगी। धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। दोस्तों की पूरी सहायता भी प्राप्त होगी। आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप बचकर रहे, ज़्यादा तनाव और टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दिमाग को ठंडा रखें और ज़्यादा टेंशन ना लिया करें। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि अगर आपको शुगर की समस्या होगी तो आपको ज़्यादा कसरत करनी पड़ सकती है। दिन के अंत में आप कुछ आराम भी महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशि फल रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।